अब मोदी जी प्रधानमंत्री जी वो नकली माल बना करके बेच रहे हैं पसमांदा के नाम पर। राज्यसभा में हमने सवाल उठाया कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, एक भी सांसद ने हाथ उठा करके भी सेकंड नहीं किया कि हम समर्थन करना चाहते हैं, होना चाहिए कि भाई राज्यसभा में एक मुसलमान एमपी उठाया है जाति जनगणना का मांग, आप लोग भी उठाइए। सभी पार्टियों के दलित पिछड़े उठ खड़ा हुए तो सरकार को सिद्धांत रूप में मानना पड़ेगा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और ये जाति जनगणना सिर्फ जाति की गिनती होने वाली नहीं है, किसके पास कितनी जमीन है, कितना ठीका में कमाता है, कितना पेट्रोल पंप है, कितना मकान है, कितना मॉल है, शोरूम है, ट्रैक्टर है, स्कॉर्पियो है, ये सब की गिनती होनी चाहिए। आईएएस कितना है, आईपीएस कितना है, चपरासी से लेकर के कलेक्टर और सारे सरकारी मुलाजिम कितने हैं। 5 जजेस बेंच ने जो फैसला दिया है ईडब्ल्यूएस का, इसको कुछ लोग ठीक ही कहते हैं, स्वर्ण आरक्षण भी कहते हैं, सवर्ण नहीं, स्वर्ण, सोना सोना, किनके पास कितना सोना है इसका भी पता होना है। इकोनॉमिक आधार पर हमारे जानते दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है जो यहाँ हुआ है, लेकिन 5 जज इस पर सहमत हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस देश में सहमत हैं। तो हमने नारा दिया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए, हो जाओ तैयार। जाति जनगणना में कई बीमारियों का इलाज है, एक तो बता दिया, दूसरा नारा है दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। मानदा मुसलमानों में भी दलित मुसलमान भी है, भंगी है मुसलमान में, हलाल खोर कहा जाता है, बेहतर कहा जाता है, जमादार कहा जाता है, मैला ढोने का काम करता है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाथ है, बखो है, पवरिया है, गधेड़ा है, भटियारा है। जब दलित पिछड़े हिंदू मुसलमान अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं तो 50% का कहा जाता है कि बाउंड्री लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो सवर्णों को आरक्षण देने की बात है तो कोई जांच की जरूरत नहीं, तुरंत हुआ, सवेरे हुआ, शाम तक लागू और लगातार धुआंधार भर्ती हो रही है। कई पीढ़ी किसी नीरज जैसे नौजवान को और किसी कंचना जैसी बिटिया को खड़ा होना होगा। अब आगे हम लोगों से हमारी उम्र के लोगों को पीछे हटना चाहिए। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है। हम देखेंगे कि दलितों की, पिछड़ों की, पसमांदा मुसलमानों की, आदिवासियों की ईमानदारी से कौन सवाल उठाता है। जिस वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने से आप वल्लभ भाई पटेल के नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये हथियाने की कोशिश है बाबा अम्बेडकर को, पटेल को और गांधी। तो अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो भाई नीरज पटेल जी नेशनल जनमत पोर्टल चलाते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, इनको सुने हुए आप लोग मत जाइएगा, हम भी सुनेंगे। जो बीमारी है वो उसकी दवा बताएंगे, बाकी हम लोग बीमारी का वर्णन करेंगे, ये बीमारी है, वो बीमारी है, उसकी दवा बताएंगे ये। और देखिए, बीमार आदमी होता है, ऑपरेशन वगैरह कराना होता है तो इनकी बात कभी कभी बुरा भी लगेगी, लेकिन आप सुनिएगा। पसमांदा माने मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी नहीं होता है। पसमांदा नाम की कोई जाति इस देश में क्या दुनिया में नहीं है, और पसमांदा नाम का कोई मजहब भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। है क्या भाई ये? तो पसमांदा एक जमात है, हम लोग कहते हैं पसमांदा डिनोट्स क्लास नॉट कास्ट। हम लोगों को सैकड़ों हजारों जातियों में बांट करके रखा गया है,
जानबूझ करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट और कोई चीज चल जाती है तो उसका डुप्लीकेटिंग भी बहुत होता है। नकलची जो लोग होते हैं, नकली माल उस पर बनाते हैं तो बनने लगा है। तो ये अब बात तो जनता पर है कि भाई नकली असली का पहचान करे। अब मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अब वो नकली माल बना करके बेच रहे हैं पसमांदा के नाम पर। आप जानते हैं हर 10 साल पर जाति जनगणना होती है, 11 में होने वाली थी, 2009 में मैं राज्यसभा का मेंबर था, इसमें तारीख हमने लिखा है 18 दिसंबर 2009 को। राज्यसभा में हमने सवाल उठाया कि जाति की जनगणना होनी चाहिए नीरज जी, इसलिए कि 11 में जनगणना होने वाली है, पहले से गर्म किया जाए। मेरी आवाज कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई, एक भी सांसद ने हाथ उठा करके भी सेकंड नहीं किया कि हम समर्थन करना चाहते हैं, होना चाहिए। बहुत लोग अंबेडकरवादी, मंडलवादी और सब लोग थे, पिछड़े वर्गों के लोग भी थे, नहीं समझा। तब कुछ लड़के दिल्ली के गए 2010 में, अगले साल मार्च अप्रैल महीने में लालू जी के यहां, मुलायम सिंह यादव जी के यहां, उस समय ये लोग लोकसभा के मेंबर थे, शरद यादव जी लोकसभा के मेंबर थे, इन लोगों के यहां गए कि भाई राज्यसभा में एक मुसलमान एमपी ये उठाया है जाति जनगणना का मांग, आप लोग भी उठाइए। तो उन लोगों ने कहा हाँ ठीक ठीक किए हैं, वो उठाया है। तो उन लोगों ने तीनों में मिल करके उठाया इस सवाल को लोकसभा में। आज जब समझ लीजिए कि तीन बड़े नेता मिल गए तो एक आवाज बन गई। वो बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे थे, यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, उनको मानना पड़ा कि सभी पार्टियों के दलित पिछड़े उठ खड़ा हुए तो सरकार को सिद्धांत रूप में मानना पड़ेगा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन फिर उसके बाद उसमें लोचा लग गया, उसको 1948 के जनगणना कानून से अलग करके किया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। जो नतीजा निकला वो न यूपीए ने उसको जारी किया, न एनडीए को तो जारी ही नहीं करना था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात यह है कि अब खुद जाने अनजाने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बात कर दी है कि अब जाति जनगणना का सवाल जो है वो केंद्र में आ गया है। पार्टियां, बिहार में सिर्फ जाति जनगणना होने वाली है, वो भी कई तरह की गलतियां हुई, हमने पॉइंट आउट किया, उसको सुधारा लोगों ने, अच्छी बात है सुधारा, लेकिन अभी पूरे देश में नहीं है और इधर बिहार में भी ये धीमा पड़ी है। हम लोगों को इस सवाल पर, पॉलिटिकल पार्टियों का कई कंपल्शन होता है, वोट है, हेन है, तेन है, फलान है, डकान है, लेकिन हम लोगों का जो जनता है उसको, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पसमांदा मुसलमान हैं, वो उनकी उनके लिए ये सवाल पहला सवाल है कि इसको उठाना चाहिए। और ये जाति जनगणना सिर्फ जाति की गिनती होने वाली नहीं है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, किसके पास कितनी जमीन है, कितना ठीका में कमाता है, कितना पेट्रोल पंप है, कितना मकान है, कितना मॉल है, शोरूम है, ट्रैक्टर है, स्कॉर्पियो है, क्या है, क्या है, बंदूक है, क्या है, यह सब की गिनती होनी चाहिए।
आईएएस कितना है, आईपीएस कितना है, चपरासी से लेकर के कलेक्टर और सारे सरकारी मुलाजिम कितने हैं, ये सब की गिनती होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो 5 जजेज बेंच ने जो फैसला दिया है ईडब्ल्यूएस का, इसको कुछ लोग ठीक ही कहते हैं, स्वर्ण आरक्षण भी कहते हैं, सवर्ण नहीं, स्वर्ण, सोना सोना, किनके पास कितना सोना है इसका भी पता होना है। तो इसको एक जज ने कहा कि ये जो आरक्षण है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, ये अभिशाप बन गया। और वैसा जज इस 5 मेंबर जो बेंच बना, कंस्टिट्यूशन बेंच बना, उसमें वो जज साहब भी है। क्या ये बात खतरे की घंटी नहीं है? उनको इस बेंच में रखना चाहिए था जिनकी मंशा इस तरह की है। और 5ों जज ने कहा मिल करके ये जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है, संविधान की समीक्षा करने बैठे हैं, संविधान में 2 ही शब्द, इसमें वकील भी हैं, सोशली बैकवर्ड एजुकेशन, सामाजिक रूप से पिछड़ा, माने जिसको हीन जात जमाने जमाने से समझा गया, छोटा जात, वो आधार बनेगा आरक्षण देने के लिए। और दूसरा जो एजुकेशनली पढ़ने लिखने में वो आधार बनेगा, इकोनॉमिक आधार पर हमारे जानते दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है जो यहां हुआ है। तो ये 5ों जज, अब ये कहा जाता है कि इसमें 2-3 एक तरफ है 2 एक तरफ है, लेकिन 5ों जज इस पर सहमत हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस देश में सहमत है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो बताइए कैसे संविधान की क्या की अवमानना किस तरह से हो रही है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात, जब दलितों को, पिछड़ों को मांग होती थी कि आरक्षण बढ़ाइए, दलित आदिवासी भाइयों की तो गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की, पिछड़े वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, उनकी कोई गणना नहीं होती थी अभी तक। उनकी संख्या मंडल कमीशन ने बताया कि 52% है, लेकिन उनको 27% आरक्षण मिला हुआ है, वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता। जब भी मांग होती थी कि आरक्षण बढ़ाओ, तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने से रोक लगा दिया गया है। इंदिरा सहनी 9 जजेज बेंच ने यह फैसला दिया था, तब मांग उठेगी कि जल्दी जनगणना कराओ पूरे देश में, तो हमने नारा दिया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। इस जाति जनगणना में कई बीमारियों का इलाज है, एक तो बता दिया, दूसरा नारा है दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। यह जो ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है आरक्षण, इसके लिए कोई सर्वे नहीं, कोई कमीशन नहीं बना, मंडल कमीशन के लिए तो बना था और दूसरे काका का लेकर कमीशन के लिए भी बना था, अध्ययन हुआ था यूनिवर्सिटी से, फलान से, ढकान से, कितनी आबादी है, उनकी क्या स्थिति है। हाँ, एक बात जरूर जज ने कहा है कि भाई आर्थिक, 2 जजों ने कहा कि आर्थिक आधार पर दे रहे हैं तो दलित और पिछड़े, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सब में भी पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्यों छाट रहे हैं, एक बात कही है उसने। तो उसके लिए जरूरी है कि इसको हम लोग पहले से अभियान चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से पहले से अभियान चला रहा है पसमांदा मुस्लिम महाज, जहां वो लोग भटके हैं, गलत सही चिट्ठी लिखे हैं, चिट्ठी निकलवा करके चिट्ठी को पॉइंट आउट किया है, और उन लोगों को अपना अपने स्टैंड में सुधार करना पड़ा है। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा कि पसमा
पसमानदा मुसलमानों में भी दलित मुसलमान भी हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं, भंगी है मुसलमान में, हलाल खोर कहा जाता है, बेहतर कहा जाता है, जमादार कहा जाता है, मैला ढोने का काम करता है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाट है, बखो है, पवरिया है, गधेड़ा है, भटियारा है। एक बिरादरी का नाम भटियारा है, इस शहर में भी है भटियारा बिरादरी। अपने को बेचारा शर्म लगता है तो अपने को फारूकी लिखते हैं, सरकार की सूची में है, मुस्लिम मोची है, मुस्लिम गधेड़ा है। इनके लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, सतीश देश पांडे डीयू के प्रोफेसर, उनकी रिपोर्ट है, उसको नहीं लागू करके मोदी जी ने एक आयोग का, केजरीवाल कृष्ण साहब के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर दिया। जब दलित पिछड़े हिंदू मुसलमान अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं तो 50% का कहा जाता है कि बाउंड्री लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात है तो कोई जांच की जरूरत नहीं, तुरंत हुआ, सवेरे हुआ, शाम तक लागू, और लगातार धुआंधार भर्ती हो रही है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करते हैं कि एक तो इसको रिव्यू कीजिए, संविधान पीठ 11 मेंबर की होनी चाहिए, और उसमें यह ख्याल रहे अगर दलित खोजिए, शायद दलित होता भी नहीं है जज, ओबीसी के लोग भी शायद एक दो होंगे, खोज करके लाइए, मुसलमान में भी खोजिए, पसमानदा नहीं होता है, देखिए नहीं हो तो मुसलमान को भी लाइए, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों के फेरा में रहिएगा। देखिए दिक्कत यह है, जो कौम सोई रहती है, जो समाज सोए रहता है, नेताओं की भी नई पीढ़ी किसी नीरज जैसे नौजवान को और किसी कंचना जैसी बिटिया को खड़ा होना होगा। अब आगे हम लोगों से हमारी उम्र के लोगों को पीछे हटना चाहिए। एक चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री को भी लिखी है, एक बात हम कहेंगे, सत्ता जो तख्ते नसी है, जो हुक्मरान है, उनके लिए जिसमें सारी बातें आ रही हैं, अपोजिशन से भी कुछ हमारी शिकायतें, उनको भी नहीं समझना चाहिए कि हम अखमुद्दा किसी का समर्थन करेंगे, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है। हम देखेंगे कि दलितों की, पिछड़ों की, पसमानदा मुसलमानों की, आदिवासियों की ईमानदारी से कौन सवाल उठाता है, कौन उसके लिए लड़ता है। आज बड़ी मुश्किल दौर में यह मुल्क गुजर रहा है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये मोदी जी कह रहे हैं ना कि पसमानदा की हमदर्दी, वो कोई कह रहा था कि पसमा हाथ बढ़ाओ, अरे भाई हथवे काट ली कि ना काटी, एक गारंटी हो गए तब ना हाथ बढ़ाओ जाओ। तो अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, हिंदू मुसलमान सभी पसमानदा से, आदिवासी दलित सभी से। बाबा साहब की बात बहुत करते हैं मोदी जी, पटेल जी की बात बहुत करते हैं मूर्ति लगा करके, गांधी जी का बिना चश्मा वाला खाली फ्रेम लेकर के घूमते हैं, लेकिन गांधी के विचार से, अंबेडकर के विचार से, पटेल जी के विचार से कहीं भी इनका लेना देना नहीं है। जिस वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने से आप वल्लभ भाई पटेल के नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह हथियाने की कोशिश है बाबा अम्बेडकर को, पटेल को और गांधी को। उसी तरह से अब पसमानदा को समझते हैं, पसमानदा कमजोर है, हम लोग कमजोर जरूर हैं, फटियाल जरूर हैं, लेकिन इतने भी ना समझ नहीं है कि आप एक झुनझुना दे दीजिएगा, एक कमीशन बना दीजिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं।
अमीर शहर की हम दर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं अपोजिशन पार्टियों से। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से तो गिला नहीं, ये है मूल शेर में थोड़ा सा संशोधन किया है, कि हमें रहजनों से तो गिला है मगर तुम्हारी रहजनी का भी सवाल है, तुम्हारी रहजनी का सभी सवाल है। हम उन पार्टियों से कहते हैं जिनको पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा हिंदू, पिछड़ा मुसलमान, दलित, आदिवासी, जिनको वोट करता है, जिन पर भरोसा देता है, वो हमारे लिए क्यों नहीं ईमानदारी से लड़ते हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं कि तुम्हारी राहबरी पद का भी सवाल है। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुमको भी सबक सिखाना हम लोग जानते हैं। हम लोग जनता है, जनता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।